बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इससे कबल आपके इब्ने हसन ने आपकी खिदमत में एक वीडियो या वीलॉग पेश किया है, जिसे तवालत की वजह से दो हिस्सों में तकसीम करना पड़ा। उसका अनवान है जिथे भी खोती तो उथे आण खड़ोती, उथे आण खड़ोती। या उसका दूसरा अनवान है पाँव चौंके खोती बुढ़ थले। तो इसका दूसरा हिस्सा आपकी नज़र करता हूँ, समाज फरमाए। जो कुछ यूँ है कि ज़मीनी हकायक मुतगैया मुतबद्दल हुए हैं, अफाकी फितरी कुदरी कुदरती कवानीन तो तब्दील नहीं हुए हुजूर, ना वो कभी होते हैं, ना किसी फर्द के लिए, ना किसी माशा के लिए, ना किसी ग्रोह के लिए, ना किसी कौम के लिए। कवानीन फितरत, कवानीन कुदरत हमेशा एक से रहते हैं। और रब्बे कायनात का फरमान है कि रब की शदीद रब की पकड़ शदीद तरीन है, जिससे कोई किसी को बचा नहीं सकता। आ हजूरे वाला, मेरी इस गुजारिश पे आप चाहें तो मुझे निशाने इबरत बनाकर अपना और अपनी आने वाली नस्लों का अंजाम मजीद भयानक बदतरीन बनाने का सामान कर सकते हैं, और चाहें तो मुझे माफ़ करके अपनी असलाह करके अपनी दुनिया आखिरत सवार सकते हैं, और पाकिस्तान भी खुशहाली तरक्की मजबूती के रास्ते पर चल सकता है। आखिर में दो तीन शेर आपकी समातों की नज़र करता हूँ। एक तो उसी हवाले से कि क्रेडिबिलिटी क्रेडिबिलिटी साख साख साख। तो हम इतने जख्म खोरदा फ्रेब खोरदा हैं, उस पर शेर सुनिए। चमन के रंगो बू ने इस कदर धोखा दिया मुझको, चमन के रंगो बू ने इस कदर धोखा दिया मुझको कि मैंने शौके गुलबोसी में कांटों पे जबान रख दी। तो हुजूर, हम 76 साल से कांटों पे जबान रखते चले आ रहे हैं, तो अब हुजूर हमें माफ़ कर दें अगर हम इनकार कर दें। तो हुजूरे वाला, हम आपके बार बार डसे हुए जख्म खोरदा और फ्रेब खोरदा हैं, और अगर आप अपने सबका गुनाहों का कफारा अदा करना चाहते हैं तो उसमें भी शेर सुन लीजिए। ये कतील शिफाई का शेर है। अब जिसके जी में आए वही पाए रोशनी, हमने तो दिल जला के सरे आम रख दिया। हमने तो जनाब इस जुल्म जबर के दौर में, इस जदीदियत के दौर में अपना सर हथेली पे रख के आपको पेश कर दिया है, क्योंकि जितना ये पाकिस्तान आपका है हजूरे वाला मेरे ज़मीनी खुदा, उतना ही हम रेड़ी वालों का, ठेले वालों का, हम मज़दूरों का, किसानों का है, जो हर रोज़ अपने बच्चों के लिए कमा के लाते हैं, और अगले दिन का हमें कोई यकीन नहीं होता कि हमें मजदूरी मिलेगी ना या नहीं मिलेगी। तो यहाँ एक और आपकी खिदमत में शेर पेश करता हूँ मेरे मुर्शिद हज़रत अल्लामा इक़बाल का। दिल की आज़ादी शहनशाही, दिल की आज़ादी शहनशाही, शिकमे समा मौत। दिल की आज़ादी शहनशाही, शिकम समा मौत। मैं जो शेर नहीं पढ़ना था फिर पढ़ता हूँ। दिल की आज़ादी शहनशाही, शिकम समाने मौत, फैसला तेरे हाथों में है दिल या शिकम। हज़रत अल्लामा इक़बाल के कलाम का मतलब है कि हजूरे वाला मुल्क जिसे मकबूजा पाकिस्तान में मैं हमेशा से कहता हूँ, वो तो मुझ में हौसला नहीं कहने का, मैं उसके बारे में क्या कहूँ। कुछ डॉक्टरों की खुशफहमियाँ गलत फहमियों के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता,
तो हुजूर वाला मेरे खुदा, मेरे ज़मीनी खुदा, अब भी वक्त है, फैसला कर लें। हुजूर ज़ाती ग्रोही मफाद वकार इक्तदार व इख्तियार और अना की आपको तस्कीन अजीज़ है और ये आपकी तरजीह अव्वल है, या मुल्क पाकिस्तान आपको अजीज़ है और मुल्क आपकी तरजीह अव्वल है? क्योंकि सबका अदवार को देखते हुए तो हम यही समझते हैं कि हर एक को ज़ाती मफाद द्रोही मफाद उसकी अना ही सब कुछ होती है। मुल्क इस खत्ता में जिसे मकबूजा पाकिस्तान कहते हैं, आइन और अवाम दो फालतू चीज़ें हैं। तो थोड़ा सा रह आगे बढ़ते हैं, तो फैसला आपके आपने करना है। ज़ाती द्रोही मफाद इक्तदार इख्तियार और अना की तस्कीन, या मुल्क की बका बेहतरी भलाई और हम गुलामों की। खुदा आपकी बात बताता चलूँ, ना तो सब अच्छा है, ना ही इस वक्त और ना ही मुस्तकबिल करीब तरीन में, जब जुल्म दौंस दांधली अंधी ताकत के इस्तेमाल से मामला आपके कंट्रोल में ना हैं ना रहेंगे, जिससे आप बाजार सुकून और गुलामों की खामोशी समझ रहे हैं। हुजूर यही खामोशी तो खतरनाक तरीन तूफान है, आग का दरिया है। हुजूर वाला याद रखिए, बरखते अलाओ इतने खतरनाक नहीं होते, आपके छोले लपकी आग इतनी खतरनाक नहीं होती। उसे हम पंजाबी में दुद्दल कहते हैं, जो पंजाबी जानता है वो बहुत बखूबी समझता है कि दुद्दल क्या होती है, या राग के नीचे दबी चिंगारियाँ जितनी खौफनाक होती हैं वो उतनी आतिशन मरूद भी खतरनाक नहीं होती। हाँ तो हुजूर वाला, किसी अकले कुल को कोई राय पेश करना या मशवरा देना हासले बेकार है। जिसने कुछ सीखना हो उसके लिए तारीख कौन सी कम है जो ऐसे असबाब व नतायज से भरी पड़ी है। खैर अंजाम जो भी हो, हमने भी इस दौरे फितर में अपना सर काट कर हथेली पर रख कर मादरे वतन का कर्ज और अपना फ़र्ज अदा करने की कोशिश की है। अपने कोशिश ज़रूर की है, फ़र्ज अदा तो नहीं हो सकता, ना मेरी धरती का मुझ पर जो कर्ज है ना वो अदा कर सकता हूँ ना फ़र्ज, कोशिश ज़रूर कर सकता हूँ, कर रहा हूँ। आखिर में मेरी दुआ है, रब्बुल इज़्ज़त मेरी धरती माँ और हम 26 करोड़ गुलामों पर रहम करम फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। फकत एक दिलफगार पाकिस्तानी गुलाम इब्ने हसन, इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।